हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आप देख रहे हैं केएस टीवी। आज आपके लिए बहुत अलग अलग टेक न्यूज लेकर आया। आज की टेक न्यूज पूरी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज होने वाली है। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, सीधे शुरुआत करते हैं। एक्चुअली आती है एप्पल और सैमसंग दोनों की तरफ से। आपको पता ही होगा एप्पल और सैमसंग का बहुत पुराना झगड़ा चल रहा था, करीबन 8-9 साल होने आ गए, 2011 शायद से चल रहा है ये। और एक्चुअली में ये क्यों हो रहा था कि एप्पल ने ऐसा क्लेम किया था कि सैमसंग ने एक्चुअली उनके यूआई में से कुछ फीचर्स चुराए थे, उनके ऑफिशियल जो पेटेंटेड थे, जैसे कि स्वाइप टू अनलॉक हो गया, पिंच टू जूम, ये सब आईफोन की यूआई में से सैमसंग ने चुराए थे। तो अब ऐसा निकल कर आया, अमेरिकन कोर्ट्स ने डिसीजन लिया है लीगली कि एप्पल सही था और सैमसंग को अब इसके लिए 439 मिलियन यूएस डॉलर्स का फाइन भरना पड़ेगा। तो सैमसंग यूजर्स के लिए ये गुड न्यूज नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो आती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग लेके आया और एक कंफ्यूजिंग फोन उनकी जे सीरीज में, सैमसंग गैलेक्सी J8। इसकी प्राइस जो है वो बताई जा रही है 18,990 रुपए। और यहाँ पर ही दोस्तों बात हो जाती है खत्म। इसके फीचर स्नैपड्रैगन 450, 4 GB रैम, 64 इंटरनल, पीछे ड्यूल कैमरा है, आगे फ्रंट है। ड्यूल कैमरा में 16+5 मेगापिक्सल, आगे 16 मेगापिक्सल, ऐसे ही कुछ फीचर्स है। 3500 की बैटरी है। तो दोस्तों सिर्फ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6 इंच का को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा फीचर नहीं लगता मुझे 18,000 रुपए देने के लिए। बहुत सारी अलग कंपनीज है, MI है, ओप्पो है, जो इस प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लेकर आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी सैमसंग खड़े रहते हैं इनके कंपटीशन में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लगता है सैमसंग अपने फोन बेच पाएगा भी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज आती है वो है एसर की तरफ से। एसर लेके आया है अपने एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप। तो गेमिंग लैपटॉप वाले यूजर्स ये न्यूज आपके लिए हो सकती है। ये लैपटॉप बोले जा रहे हैं प्राइस अराउंड होने वाले 65,999 से स्टार्ट होगा और 72,999 पर एंड हो सकते हैं। इसमें 4 वर्जन होने वाले, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, i5 प्लस प्रोसेसर एंड i7 प्लस प्रोसेसर। तो जो i5 वाले बेसिक मॉडल्स है, i5 i7 के, उनमें बोल रहे AMD की ग्राफिक्स यूज होने वाले हैं और i5 प्लस और i7 प्लस में NVIDIA ग्राफिक्स यूज होने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखते हैं NVIDIA में GT कौन से ग्राफिक्स यूज होने वाले हैं। और एक अच्छा प्राइस सेगमेंट में गेमिंग लैपटॉप एसर निकाल दे तो एक बहुत अच्छा न्यूज होगा हमारे कस्टमर्स के लिए, ताकि उन्हें गेमिंग लैपटॉप्स के लिए ज्यादा पैसे ना भरना पड़े। देखना पड़ेगा ये परफॉर्म कैसे करते हैं एसर के गेमिंग लैपटॉप्स। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि आप गेमिंग लैपटॉप यूज करते हो या नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो एक्चुअली में आती है एक ऐसा ऐप जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देगा। जैसे कि आप देखा ही होगा एप्लीकेशंस में हमें जो डेली नीड्स होते हैं, जो ऐप हम बार बार यूज करते हैं, उनको आप एक जगह पर डालकर उनको अच्छे से यूज कर सकते हो। टाइल्स करके एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसकी प्राइस थी 70 रुपए। पर दोस्तों गुड न्यूज आपके लिए ये है कि ऐप अभी फ्री में मिल रहा है, तो इसे डाउनलोड कीजिए। आपका यूजर एक्सपीरियंस आप बहुत अच्छा बना सकते हो। जो ऐप सबको चाहिए कस्टमाइज कीजिए इसको और यूज कीजिए। एकदम सिंपल इसका जो व्यूइंग, एकदम सिंपल इसका यूजर एक्सपीरियंस है दोस्तों। आप एक बार जाकर ट्राई जरूर करना इस ऐप को। फ्री में अवेलेबल है, प्ले स्टोर में है। मैं चाहिए तो इस ऐप का लिंक होगा तो शायद से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऐप का नाम तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो ऑनर की तरफ से आती है। ऑनर 10 का जो स्मार्टफोन है उसमें एक अपडेट आने वाला है गेम बूस्ट करके, जिसके बाद आपके गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाने का सोच रहा है ऑनर। तो अगले अपडेट के लिए तैयार हो जाइए ऑनर 10 यूजर्स। ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को 60% मोर एफिशिएंसी बढ़ा देगा और आपकी बैटरी 30% कम यूज करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है ऑनर 10 यूजर्स के लिए। तो तैयार लीजिए, कभी भी अपडेट आ सकता है आपको। तो बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ दोस्तों। लेकिन ये न्यूज आप ध्यान से सुनना, एक नया स्मार्टफोन आ सकता है और आने की कगार पर है एक्चुअली दोस्तों। August 9, 2018 को आपको देखने मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी का Note 9। अभी आप इतने सारे स्मार्टफोन देख चुके हो जो कि डिस्प्ले पे से फ्रंट कैमरा, नॉच सब कुछ हटा रहे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर वो लोग इन डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी देखने मिल रहे हैं, मोटराइज कैमरा ऊपर से आने वाले फोन, बहुत अलग अलग फोन। देखना पड़ेगा सैमसंग अपने नोट 9 के साथ ऐसा क्या लेके आता है कि कस्टमर्स का ध्यान पूरी तरह से इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे जाए। तो August 9 इस दिन को याद रखिए, August 9 शायद 2018 यही वो डेट है जब सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 आने वाला है।
हमारे चैनल को आपको एक डेडिकेटेड नोट 9 पे वीडियो जल्दी देखने मिलेगा। शायद से जब तक मैं ये वीडियो डालूं वो वीडियो हमारे चैनल पर होगा, तो जरूर से नोट 9 की उस वीडियो को देख लेना। मैं चाहिए तो उसका लिंक यहाँ पर ऊपर डाल दूंगा, आप जाकर नोट 9 के ऊपर वीडियो देख सकते हो कैसा ये फोन होने वाला है। पूरे फीचर्स एक्सप्लेन किए होंगे इस वीडियो में। आज के लिए यही था दोस्तों, बताना कमेंट सेक्शन में आज का टेक न्यूज कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमें अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। कोई भी टेक न्यूज अपडेट चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए केएस टीवी, ताकि सबसे पहले आपको न्यूज मिले। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए केएस टीवी।